लोग कहते हैं कि दो किस्म की गवर्नेंस स्टाइल्स हैं हिंदुस्तान में, एक तो मोदी जी का गवर्नेंस स्टाइल है और एक राहुल गांधी कहते हैं उनका है जो अपने वो राज्यों में अपना रहे हैं, जहां पर वो लोगों को कहते हैं कि हम लोगों को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, और हम आपको ये सब न्याय देंगे और आपको सब्सिडीज देंगे, फार्म लोन्स वेवर्स देंगे जो मोदी सरकार आपको नहीं देती। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं टाइम्स नाउ का अभिनंदन करता हूँ और आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ कि आप ऐसे सवाल को स्पर्श किया है जो आमतौर पर हमारे देश के पॉलिटिकल पंडितों या इकोनॉमिक्स या गवर्नेंस को जानने वाले लोगों के दिमाग में अभी तक आया नहीं है। मैं आपके इस सवाल को बहुत ही सकारात्मक रूप से लेता हूँ। देखिए, देश में आजादी के बाद अलग अलग मॉडल ऑफ गवर्नेंस उभर करके आए हैं और मैं चाहूंगा कि देश के पॉलिटिकल पंडित, देश के इकोनॉमिस्ट, देश के थिंक टैंक्स इस पर गहराई से विचार करें। एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो लेपका रहा, जिसमें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल लंबे अरसे तक उनको अपने आइडियोलॉजी, अपने आचार विचार को लागू करने का मौका मिला। दूसरा वो दल जो मूलतः कांग्रेस गोत्र के लोग हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से अलग पार्टियां बनाई, परिवारवाद उसमें जुड़ा, क्षेत्रवाद जुड़ा और एक राजनीतिक कुंबा तैयार हुआ। तीसरा है कांग्रेस और चौथा है भारतीय जनता पार्टी। देश ने चार गवर्नेंस के मॉडल देखे हैं। मैं चाहूंगा कि 100 पैरामीटर तय किए जाए, उन 100 पैरामीटर के पर इन चारों सरकारों के कामों को देखा जाए, चारों सरकारों के कार्य करने के तरीकों को देखा जाए, चारों प्रकार की सरकारों के परसेप्शन के आधार पर नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए। दूसरा उनकी वर्क कल्चर को देखा जाए, उनके एथिक्स को देखा जाए, ईथोस को देखा जाए, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देखा जाए। टीवी के पर्दे पर कौन ज्यादा देखता है, अखबार के पहले पेज पर कौन ज्यादा फोटो छपती है, उसके आधार पर निर्णय नहीं होते। और मैं विश्वास से कहता हूं कि अगर जिस जो सवाल आपने उठाया है आगे चल करके अगर उसको बढ़ाओगे तो देश को बहुत लाभ होगा। आप भी ऐसे कुछ लोगों को रिसर्च का काम दीजिए कि भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में श्रेष्ठ कौन सा था। और मैं आज विश्वास से कहता हूं कि महात्मा गांधी का जो अंत्योदय का सिद्धांत था कि भी जब भी कोई निर्णय करो तो मन में सोचो कि सामान्य मानवी के उस पर क्या प्रभाव होगा, हमारे बातों में ये आपको नजर आएगा। हमने विकास की गति को बढ़ाया है, हमने हमेशा स्ट्रांग फाउंडेशन पर बल दिया है, रेवड़ी बांट करके गिमिट कर करके काम नहीं किया है, हमने चुनाव जीतने के लिए कभी सरकारें नहीं चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सरकार चलाए ये मुझे मंजूर नहीं है। हम देश के लिए सरकार चलाते हैं, दल के लिए नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे, हम जो भी करेंगे 130 करोड़ भारतीयों के लिए करेंगे। और उसी का कारण है कि गरीब वर्ग की सालों से मांग थी कि भाई हम सामान्य वर्ग से आते हैं, हमें भी गरीबों की कोई चिंता होनी चाहिए। और हमने हिम्मत के साथ 10% आरक्षण लेने का निर्णय किया और इस देश में जितने भी आरक्षण के पहले निर्णय हुए हैं आग लगी है, आंदोलन हुए हैं, लोगों ने खुद को जला दिया है। हमने इतना बड़ा निर्णय किया, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अटल जी की सरकार थी, हमने मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया, बिहार में से झारखंड बनाया, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया, स्मूथली छोटा राज्य विकास का केंद्र बिंदु बन गया। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ आंध्र के विभाजन किया और आज भी आंख थम नहीं रही है। क्या तरीकों में अंतर है, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपको ध्यान में आएगा।